देखिए, जो बैंगलोर में वो बड़ी दुख की बात है और इससे हम सबको बड़ा दुख होता है, हमको शर्म लगती है कि ऐसा हमारे देश में कभी होता है। और यकीनन हमें और सरकार को, हर राज्य की सरकार को इसके लिए कदम उठाने हैं और ये कंटिन्यूस कोशिश है। मुझे लगता नहीं कि किसी का इसका कोई एक हल है। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो मेरे मन में दो तीन जो विचार हैं जो हमने हमारे शो पे भी रखे थे वो यही है कि जब लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त हो जाएगा और जुडिशरी बहुत जल्दी काम करेगा। आप देखिए, अमेरिका में आप देखिए तो अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो विद इन 2-3 मंथ्स गिल्टी आदमी को वो केस खत्म होकर उसको सजा भी मिल जाती है। जब ये इसमें बदलाव आएगा ना, तब मुझे लगता है एक बड़ा बदलाव आएगा। आज के डेट में जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको ये मन में है कि हमारे साथ कुछ खास होने वाला नहीं है। जब हमको ऐसे एग्जाम्पल सामने आएंगे कि विद इन 2-3 मंथ्स जिस आदमी ने भी ऐसा किया है, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है, वो बिहाइंड बार से उसको लंबी सजा मिली है और कंटिन्यूसली हम ये देखते आएंगे, तब ये परिस्थिति बदलेगी। मुझे लगता है लोगों में डर पैदा होगा। ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जहां तक लेडीज का सवाल है, मुझे लगता है हम जो जिस विषय पे हम काम कर रहे हैं, पानी का विषय, उससे एक अलग तरीके से महिलाओं को बहुत, इनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे फिल्मों के जरिए, हमारे शो के जरिए, कि हम लोगों में सेंसिटिविटी बढ़ाएं इन सब विषयों को लेकर।